ये देखिए दोस्तों, हस्बैंड ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। मौसम देखो यार कैसा हो गया एकदम से। जाते जाते लग रहा फिर ठंड वापस आ जाएगी क्या? पर सबसे इतना ठंडा नहीं जैसा मौसम दिख रहा है ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफ ऑफ सोनिया में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। ये देखिए 8:30 बज रहे हैं और आज है 26 जनवरी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हस्बैंड तो निकल गए ऑफिस के लिए, बच्चे यहाँ पर अभी सो रहे हैं दोनों। ये देखिए सिद्धू हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, सो रहे हैं। हस्बैंड जो है चाय बिस्किट खा के चल निकल गए ऑफिस के लिए। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पूरे दिन तो वहाँ रहना नहीं है ऑफिस में, सिर्फ झंडा रोहण के बाद फिर वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। फिर मैं बनाऊँगी कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, तब तो मैं अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ। मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, हस्बैंड अपना नहा के पूजा वूजा करके चले गए हैं। ये देखिए अपना पूजा वूजा करके चले गए हैं हस्बैंड ऑफिस, और मैं निपटाऊंगी यहाँ पे अपना काम। किचन में भी अभी बर्तन पड़ा हुआ है। ये देखिए मैं नाश्ते की तैयारी करने जा ही रही थी तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं रहने तो मैं आके करूँगा, ज़्यादा टाइम उधर नहीं लगेगा ऑफिस में। तो मैंने कहा ठीक है, और अब मैं भी काम अपना निपटाऊँगी, फिर नहा के मैं भी पूजा करूँगी, फिर नाश्ते में लगूँगी, फिर खाने में लगूँगी। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब रात में बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। उस हिसाब से ठंडा तो नहीं हुआ है पर हल्का सा हो गया है, और मौसम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया। और अभी भी लग रहा है कि बारिश होगी क्योंकि बादल छाए हुए हैं काले काले, आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने थोड़ा सा वीडियो जो बनाया है। तो चलिए मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने नहा लिया था, पूजा भी मेरी हो गई है, बर्तन भी मार लिया, किचन भी साफ़ हो गया। अब बना रही हूँ मैं यहाँ पे चाय, वो बन रही है यहाँ पे मेरी सैंडविच, वो करेंगे हम लोग नाश्ता। और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और मौसम आज ठंडा है तो चाय पीने का तो ऑटोमेटिक ही मन कह रहा है, तो मैं दूध वाली चाय ही बना रही हूँ। गुड़ वाली हम लोग सुबह पी चुके हैं चाय, तो मैं बना रही हूँ इस समय दूध वाली चाय। तो चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं। मेरा लंच बन के तैयार हो गया है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ी। तेल गरम हो चुका है और सरसों का तेल आँख में उतना ज़्यादा लग रहा है, पूड़ी मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, सोचे आँख में बहुत लग रहा है। ये मेरी इधर बन गई है पूड़ी। और मैंने उसके साथ बनाया है छोला बनाया है और पुलाव बनाया है, क्योंकि गज्जू का बहुत दिन से मन कर रहा था छोला पूरी खाने का, तो मैंने सोचा कि बना देते हैं, बच्चे की फरमाइश पूरी करते हैं। वो गरम गरम पूरी मैं निकाल रही हूँ, अब दे दूँगी इन लोगों को खाना। हस्बैंड और बच्चे सब बैठे हैं इंतज़ार में। और पूरी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी पूरी एकदम अच्छी नहीं लगती है।
खाना पूरा बन गया है मेरा। बच्चों को और हस्बैंड को खाना दे दूंगी, फिर मैं खाऊंगी। देखिए फूली फूली पूरी। और इधर मैंने चावल भी बना लिया है, इधर ये छोला बनके तैयार हो गया है, ये छोला बन गया है। इधर मैंने प्याज भी काट लिया है, आँखें बहुत जा रही थी। तो चलिए मैं पूरी बना लेती हूँ, वो खाना सबको दे देती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। कैसा बना है गज्जू? अच्छा बना है? तीखा तो नहीं है? मेरा बेटा, मेरा बच्चा। सिद्धू आप बताओ, आपको कैसा लगा? अच्छा बना है मामा जी? ये मेरा बेटा। गज्जू मेरे से नाराज थी, बहुत दिन से कहती थी मम्मा छोला पूरी बनाओ, मैं बना नहीं पा रही थी, तो आज बनाया तो गज्जू मुझसे खुश हो गई है। मम्मा से नाराज नहीं है, नहीं है ना? नाराज तो नहीं हो? फूकू कर दिखाओ, ऐसे फूकू कर दिखाओ ना। ठीक है, खा लोगे ना फूकू? चलो भाई, बच्चे तो खुश हो गए हैं, अब जा रहे हस्बैंड और मैं भी खाना खाएंगे। तो चलिए, दोपहर का लंच करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। तो आज 26 जनवरी था, बच्चों की भी छुट्टी थी, हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो मन हुआ कि कहीं बाहर घूम आते हैं, तो हम लोग यहाँ घूमने के लिए निकल गए हैं। और देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर है। और इसी के साथ आज के ब्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड, और मिलूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। नहीं तो ये ब्लॉग बहुत मेरा आज का लंबा हो जाएगा अगर मैंने कंटिन्यू नहीं किया तो। इसका कहाँ हम लोग कहाँ घूमने गए हैं वो आपको सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। और आज के ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।